हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब परिवार पर स्वागत करता हूँ। क्या फिर से मैं आप सभी के सामने आया हूँ 5 सितंबर की अपडेट लेकर के। आप सभी को पता है कि बिहार में एस्टेट चल रही है और एस्टेट में कल धांधली हुआ है जी। कुछ लोगों का सिस्टम अपने मन से चालू हो गया और अपने मन से वहाँ पर आंसर दे रहे थे बिना ही कर्सर को चलाए। ठीक है, तो आइए सीधे देखते हैं अपने एग्जाम सेंटर से लाइव और क्या क्या घटनाएँ हुई हैं, पूरी घटना को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि इस तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, एस्टेट परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ, परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षार्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि इधर प्रशासन का कहना है कि तकनीकी समस्या के कारण परेशानी हुई है अभ्यर्थियों को, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि धांधली की गई है, सिस्टम को हैक कर लिया गया था। लॉगिन हुआ तो अभ्यर्थी सिस्टम पर बैठे नहीं, तो आंसर टिक कैसे हो रहा था पहले से? आंसर टिक भी हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल सेंटर पर यही खड़ा कर रहा है कि जब अभ्यर्थी वहां सिस्टम पर नहीं बैठे हैं तो आंसर अपने आप टिक कैसे हो रहा है सिस्टम पे? और जो अभ्यर्थी पहले से उसमें बैठे हुए थे सबका सिस्टम हैक कर लिया गया था, वो केवल कर्सर पर हाथ रख कर बैठे थे। वो कोई क्वेश्चन, कम से कम 20-25 कैंडिडेट थे जो जिसका सिस्टम हैक था, जो केवल कर्सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे और उनका क्वेश्चन अपने आप टिक हो रहा था। हमने देखा है, हमने वीडियो भी बनाया है। हम लोग के सिस्टम में कहा जा रहा है कि आप लोग का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, आप लोग का लॉगिन ही नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप इस तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आप सभी को डेली का डेली मिलता रहता है और यहाँ पर एजुकेशन का भी वीडियो मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।